हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए एक नए ब्लॉग पे, नए वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नए गार्डन, मिराकल गार्डन में लेके जा रहा हूँ। क्या आपने सुना है, एक जगह पे 1,50,00,000 फूल एक ही जगह पे हो? अगर आपने सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको उसी गार्डन में लेके चल रहा हूँ घुमाने के लिए। यहाँ पे 150 मिलियन फूल है, वो भी नेचुरल प्राकृतिक फूल है। तो इसको आप देखिए कि आपको ये देखने में लग रहा हो कि आर्टिफिशियल, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, सब ये प्राकृतिक फूल है, नेचुरल फूल है ये सब। आप इसमें अगर जाएंगे तो आपको यहाँ से आने का मन नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है ये, इतना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है कि यहाँ पे जाने के बाद से आपको आने का मन नहीं करेगा। यहाँ पे एक बात है कि आपको किसी भी फूल को टच करने के लिए अलाउड नहीं है, हर एक जगह पे गार्ड लगे हुए हैं, आप फूल को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। हाँ, वहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ये जो फूल है यहाँ पे, आप तरह तरह के, आपको जो झोपड़ी बनाया हुआ होगा, तरह तरह की सजावट है, आप इसके अंदर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और सब जो है, जितना भी है, जो स्टैचू बना के, स्टैचू के ऊपर जो है ना, वो फूलों से सजाया गया है, ग्रास से सजाया गया, घास से सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है ये। और यहाँ पर लोग, स्पेशली लोग जो आते हैं, वो वीडियो बनाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इसका एरिया है, 72,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। इसका एरिया जो है 72,000 स्क्वायर फीट एरिया है, और इसमें 250 मिलियन जो है पेड़ हैं, फूलों के पेड़ हैं, पेड़ नहीं मतलब कि फूलों के पेड़ है। आप लोग देखिए कितने इसमें फूल है, एक फूल, एक जो है बंच में एक कितना फूल है, आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए घूमते हैं इसमें और देखते हैं। ये सामने आपको सूरजमुखी का फूल दिख रहा है, लेकिन इतने फूल हैं कि हम भी नहीं बता सकते, हमको भी उतना नाम याद नहीं है कि कौन कौन से फूल लोग लगाया हुआ है और कैसे कैसे सजाया हुआ है। देखिए ये ऊपर जो है घर बनाया गया है, घर के दोनों तरफ से जो सीढ़ी का जो रेलिंग है, रेलिंग पे भी सजावट है, वो भी फूलों से और फूल के पेड़ों से। यहाँ पे देखिए, आप लोग सामने देख रहे हैं ना, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। क्लीनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, गार्डनर, गार्डनिंग जो है, जो माली है, हर एक मतलब कि बहुत, मतलब कि ये लोग इतना क्लीन रखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी कचरा दिखने को नहीं मिलेगा। और हमेशा यहाँ पे इसमें पेड़, फूल के पेड़ों की सिंचाई होती रहती है कि फूल हमेशा आते रहें, इसमें खाद इसमें बराबर तरीके से डाला जाता है, इसमें क्या, इसमें फूल बराबर लगे हैं। ये कोई आर्टिफिशियल फूल नहीं है, ये सब नेचुरल फूल हैं, प्राकृतिक फूल हैं। मैं ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर एक ऊपर जगह है तो यहाँ पर, तो मैं वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे एमरेस्ट फ्लाइट का भी है, उसको भी फूलों से सजाया गया है। देखिए नीचे लोग घूम रहे हैं इसमें। ये वीडियो जो है एकदम नेचुरल है, ओरिजिनल है। आप लोग देखिए और बताइए कि ये जो है कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये एमरेस्ट फ्लाइट है। एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों को, ये जो गार्डन है ये दुबई में है, इस गार्डन का नाम है मिराकल गार्डन। अब देखिए ये एमरेस्ट फ्लाइट है, एमरेस्ट फ्लाइट को भी वाइट फूलों से सजाया गया है। ये मैं दूसरी तरफ से जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी बहुत, कितना बेहतरीन तरीके से सजाया गया है कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद से आपका मन नहीं करेगा आने के लिए। लेकिन अभी आपको जाना हो तो एक काम कीजिए, जाएंगे
तो थोड़ा ऐसे टाइम में जाइए कि डे के टाइम में जाइए और नाइट टाइम में, दोनों में जाइए। मैं तो डे के टाइम में बनाया हूँ इस वीडियो को शूट किया हूँ मैं डे टाइम में, लेकिन आप डे और नाइट में जाएंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही है। मैं एक बार और इसमें जाएगा नाइट टाइम में, कैसे नाइट टाइम में इसका एक बार और मैं वीडियो शूट करेगा और आप लोगों को दिखाएगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस पे इस वीडियो का तो मैं सेकंड टाइम में जाऊँगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा जाने का। दोस्तों आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, आप लोगों को अच्छा वीडियो शूट करके मैं हमेशा दिखाऊंगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, एक से बढ़ के एक वीडियो बनाऊँगा। ये इमरेस फ्लाइट है, ओरिजिनल इमरेस फ्लाइट है, इस पर फूलों से सजाया गया, वाइट फूल है इसके ऊपर। ये देखिए कितना दिल बना के इस पर, दिल का जो शेप बना के उस पर फूलों से सजाया गया है। एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, आदमी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप सुबह में जाते हैं तो पहले जाएंगे तो आपको वीडियो बनाने के लिए, सेल्फ़ी लेने के लिए आपको जगह मिलेगा। लेट से जाएंगे तो आपको सेल्फ़ी लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इतना लोग आते हैं कि। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो इसके बगल में है एक बटरफ्लाई गार्डन, वो भी नेचुरल है। वहाँ पे आपको नेचुरल बटरफ्लाई जो है, तितली जिसको बोलते हैं, तितली तितली नेचुरल तितली जो है आपकी बॉडी पे आके चिपक जाएगी, बैठेगी। एक ये रंग बिरंगी कलर की, एक एक से बढ़ के एक कलर। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिससे बंच बना के एक उसमें फूल रखा गया है और उसको हैंगिंग हैंग किया हुआ, लटकाया हुआ है। देखिए ये कितनी खूबसूरत इसकी सजावट है, गेट की सजावट है। यहाँ पर टोटोइल और कंगारू का यहाँ पे गेट पर लगाया गया है। आप लोग देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ वीडियो, थोड़ा घुमाऊँगा ये कैमरा तो आप लोगों को दिखेगा। देखिए ये कछुआ जो है, कछुआ बनाया गया है और दोनों बगल में कंगारू है। यहाँ पर बैठने के लिए, कंगारू के सामने बैठने के लिए है, वहाँ पर बैठ के आप सेल्फी ले सकते हैं या कुछ किसी दूसरे से बोल के आप अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही, कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी शूटिंग हो रही है या बुरी शूटिंग हो रही है। आप लोगों का कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं भी अपना नेक्स्ट जो है कुछ सुधारना होगा, कुछ इम्प्रूव करना होगा, मैं इम्प्रूव करूँगा, सुधारूँगा। आप लोगों का कमेंट ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे बनाता हूँ वैसा ही बनाऊँगा। देखिए बहुत सब बहुत बड़ा भालू, इसका भी स्टैचू बना के, इसका भी पुतला बना के उस पर पूरा ग्रास और फूल, फूल और घास से इसको सजाया गया है। मैं सामने से इसका वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए कितना बड़ा बनाया गया है। ये सब लोग
बहुत दूर दूर से टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट जो है आते हैं यहाँ पे वो घूमने के लिए, यहाँ पे ज़रूर घूमते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए आप थक जाते हैं, इतना इसका एरिया है कि आप एक बार में कंटिन्यूस नहीं घूम सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आराम करके घूमना पड़ेगा। ये देखिए कितना बड़ा भालू, इसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, ये कार्टून में आता है लेकिन मैं इसका भूल रहा हूँ। इस कार्टून का नाम आप बताइएगा आप लोग, इस भालू का नाम क्या है, ये आप लोग तो देखे ही होंगे, अब भैया जो बच्चे देखते हैं वो बताएंगे ज़रूर। ये अभी मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। अगर पहला पार्ट पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा तभी मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा, अगर पहला पार्ट पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो मैं दूसरा पार्ट मैं सोचूँगा डालने के लिए, लेकिन अभी ये पहला पार्ट ही है। कैसे कि 72,000 स्क्वायर फीट एरिया कम नहीं होता है, और 72,000 स्क्वायर फीट में जब फूल लगाया गया, नेचुरल फूल लगाया गया, आप अंदाज़ा लगाइए कितना फूल होगा इसमें और कितने तरीके के फूल होंगे, कितना डिजाइन होगा, कितना कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया होगा। मैं अभी आधे एरिया का बना रहा हूँ ये वीडियो को, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आधे एरिए का। हर एक जगह पे, हर एक गेट पे कंगारू का, कहीं पे कुछ का और सब लगाया गया है स्टैचू, और वहाँ पर लोग बैठ के सेल्फी लेते हैं या दूसरे से फोटो क्लिक कराते हैं। यहाँ पे कोई भी पेड़ जो है, कोई भी फूल का पेड़ है जैसे नॉर्मल पेड़ है, वो आपको तो आप देखेंगे तो वो हरा दिखेगा, इतना यहाँ पे ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं, इतना कि उसका हिसाब नहीं है। यहाँ पे गन्ना भी लगा के रखा हुआ है, जो हम लोग हिंदी में ईख बोलते हैं। हर एक जगह पे दिल बनाया हुआ, दिल का शेप बनाया गया है और उस पे फूल सजाया गया, वो भी अलग अलग वैरायटी का फूल, अलग अलग तरीके का फूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फूल है, आगे वाले में कौन सा फूल है, उसके आगे वाले में कौन सा फूल है, फूल का कलर है, सब में डिफरेंट कलर होगा, आपको सब में कलर का अंतर होगा। ये देखिए घोड़े का स्टैचू बना के, इसका शेप बना के उस पे ग्रास लगाया गया है, ये भी नेचुरल ग्रास है, सब सब नेचुरल ग्रास है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो है आर्टिफिशियल ग्रास हो, नहीं, सब नेचुरल ग्रास है। आप इसको छू के देख सकते हैं, लेकिन आपको वो भी छूना होगा तो गार्ड से आंख बचा के, नहीं तो गार्ड देखेगा तो आपको छूने नहीं देगा, वो दूर से ही वो बोलते रहता है कि भाई दूर रहो, आपको वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ, लेकिन आप उसमें से तोड़ो नहीं, उसको नुकसान मत पहुँचाओ। देख लीजिए कितना बेहतरीन ये फूल मतलब सजाया गया है, जो हाथी बनाया गया, हाथी पर भी हाथी का स्टैचू बना के और उस पर फूल जो है, ग्रास जो है, घास चारों तरफ से उस पर लगा दिया गया है, और उसकी कटाई छटाई बराबर होती रहती है। ये देखिए मूव करता हुआ जो डॉल है, ये हमेशा मूव करते रहता है, जब ये स्टार्ट हो जाएगा, जब ये गार्डन में लोग घूमना आना चालू हो जाएंगे तभी से स्टार्ट हो जाता है और ये दिन भर घूमते रहता है। ये मोटर भी फिट है लेकिन इस पे जो फूल है वो नेचुरल फूल है, प्राकृतिक फूल है, कोई भी आर्टिफिशियल फूल नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, कैसे कि इसका टिकट जो है वो दुबई के
करेंसी के हिसाब से 55 दिरहम 55 दिरहम, इंडिया के हिसाब से करीब 1,100 कुछ रुपया होगा। करेंसी का जो भाव है वो ऊपर नीचे होते रहता है उसके हिसाब से, तो आप 1100 मान के चलिए इंडियन रुपीज। यहाँ पे भी इसका टिकट का टिकट आप बुक कर सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन वो करेंसी जो है दिरहम में ही कटेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, इसका सेकंड पार्ट डालूँगा, सेकंड पार्ट में अभी और कुछ ज़्यादा है और बेहतरीन है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग क्या सपोर्ट करते हैं क्या नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए सेकंड वीडियो के लिए, उसके बाद से बटरफ्लाई गार्डन जहाँ पे नेचुरल जो तितली है उसका मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और सेकंड पार्ट में आप लोगों का इसका अगला भाग दिखाई देगा। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर।